नमस्कार, मैं हूं सत्यवान बेहरा। मैं एक मार्शल आर्ट ट्रेनर हूं। सो मैं आज एक छोटा सा स्पीच जो मेरे दिमाग में जो मेरे ख्याल में आ रहा है एक कोरोना वायरस के बारे में। जो कोरोना वायरस है वो कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं है या फिर छोटी मोटी वायरस, वो बहुत बड़ी वायरस है, बहुत बड़ी बीमारी है जो पूरे देश में फैला हुआ है। सो प्लीज़ जो भी हमारा देश के जो हमारे जैसे हम प्रधानमंत्री जी बोले उस रूल्स को फॉलो कीजिए और डिसिप्लिन बना रखिए। जितना होता है डिस्टेंस में बात करिए, जैसा कि 1 से 1.5 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए बात करने के लिए। और ये जो आप पूरे देश में सबको पता है कि वायरस बहुत तेजी से फैल रही है। मैंने कल न्यूज़ में देखा था 252 थे और आज मॉर्निंग में न्यूज़ देखा मैंने 390 हो गए हैं। सो ये जो डिस्प्लिन बनाएंगे तो जो वो हो गया तो उसको कोई ये नहीं, बट उसका इलाज चल रही है हॉस्पिटल में, लेकिन जो बढ़ने से रोका जा सकता है। सो घर से बाहर मत निकले। अभी देखा मैं सुबह न्यूज में बिना कारण के बहाना करके पब्लिक गाड़ी लेके बिंदास घूम रहे है। जब पुलिस वाले बोल रहे है कि आप घर से क्यों आए तो बिना बात के पुलिस के साथ लड़ रहे है। जो भी हमारा भारत के पुलिस प्रोटेक्शन जो भी खड़े है वो हमारे लिए खड़े है, और जो लड़ भी रहे, जो बोल भी रहे, समझा रहे वो लोग, फिर भी आप बिना बातों से उनसे आर्ग्यू कर रहे हैं, तो किसके बारे में लड़ रहे हो हम उनसे? जब वो किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारे जनता के लिए, जनता के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हमारा लाइफ के लिए काम कर रहे हो। गवर्नमेंट उनको भेजा है और जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं रूल्स को फॉलो नहीं कर, अपने मनमानी कर रहे आप लोग, क्योंकि आपको सबको पता है इतनी बड़ी बीमारी है। देखो जो बीमारी जो वायरस जो आया है ना, आपको सब पता है, अमीर या गरीब पूछ कर नहीं आती है, या फिट हो या फिर वीक हो, ऐसा पूछ के ना तो कहीं भी कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकता है ये। सो आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जितना डिसिप्लिन रखें, जितना रूल्स को फॉलो करेंगे, उतना हम लोग बेटर रहेंगे। देखो हम लोग अगर लाइफ में रहेंगे तो कुछ करेंगे लाइफ में, अगर नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या उसको? और मेरा कहना यही था कि जैसा कि ये मेरे एरिया हो गया, अगर एरिया वाइज अगर चेक हो जाएगा कि हर घर पे जाके चेक कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सो कल पूरा भारत बंद थी, कोई घर से नहीं निकल रहा था। सो अगर चेक भी हो जाएगा तो हर घर में जाके, सो बहुत होगा, देश के लिए बहुत बड़ी फायदा होगा। हमारे देश के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो इसके बारे में जो मेरे दिमाग में जो था, मेरे ख्याल में जो था, मैंने बोल दिया। सो वही कि लोग मान नहीं रहे इस चीज को। किसी को पूछोगे नहीं हमको तो कोरोना होगा ही ना। एक मैसेज था और आप लोगों के लिए, सो प्लीज मेरे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी एक टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब जो भी हो गया आप लोग, उसको मस्ती मजाक मत लीजिए। प्लीज एक अच्छा मैसेज दीजिए पब्लिक के पास, एक अच्छे से शेयर करें ताकि पब्लिक उस चीज को समझे। कल जनता का रिव्यू था, वो इसलिए था कि पब्लिक एक डिसीजन ले सके, डिसाइड करे कि कैसे हमको सेफ रहना है और कैसे हमारा फैमिली को सेफ करना है और हमारा लाइफ भी सेफ रहेगा। सो मैं काफ़ी मोस्टली टिकटॉक में देखता हूँ, कोरोना के मजाक बना दिए है। ये कोई मस्ती मजाक चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्स चीज है, छोटा मोटा वायरस नहीं सबको पता है, फिर भी आप उसको पूरा मजाक बना दिए हो। सो मजाक मत करो, अच्छे से एसएमएस दो पब्लिक के पास ताकि उनको भी कुछ सीखने मिले, कुछ डिसिप्लिन बनाए अपने आप में। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है सबको, बस सब लोग लाइफ में कुछ, हर किसी लोगों का एक ड्रीम है। सो ड्रीम मेरा कहना, मेरा भी गॉड से ही प्रेयर है, आप लोग सब सेफ रहिए, जब जिंदा रहेंगे तभी कुछ करेंगे ना। सो ये चीज को मैं बोला था कि मजाक मत बनाइए, आप सबको पता है कि बहुत बड़ी वायरस है, तो सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू। सो कि पूछ के आता है आपको, ये बुखार नहीं या फिर सर्दी जुकाम नहीं है, कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं है। आप इसको बहुत कॉमन सेंस, आप लोग इसको बहुत बोलते कि नहीं कुछ भी नहीं है। देखो उस लोगों से पूछो जिससे ये चीज गुजर रही है, फिर आपको बताएंगे वो क्या होता है लाइफ में। जब जैसे ना जिस एक को फांसी देने से भी डरने लगे, जितना कोरोना वायरस से डर लग रहा है, फिर भी आप बिंदास घूम रहे हो,
मेडिकल स्टोर खुला है, मेडिकल स्टोर को परमिशन है। अगर जैसे हमारे यहाँ घूम रहे हो और उनको बोलोगे तो बोलते हैं लड़ रहे हो पुलिस से बिना बात की भी। आप प्लीज, मेरा कहना तो यही था कि आप डिसिप्लिन बनाए रखें और जितना होता है अपने फैमिली को बाहर जाने से रोकिए, बिकॉज ये आपके लिए भलाई, हमारे लिए भलाई है। और सैनिटाइजर घर पर रखे, हैंड वॉश भी घर पर रखिए, हैंड वॉश यूज के खाने से पहले, खाने के नहीं बाद भी हैंड वॉश यूज करें। आपको सबको पता, सबके लाइफ के लिए बेटर है। और सेफ रहिए, फिट और हिट। थैंक यू सो मच।